हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द हॉरर शो एट एक्सट्रीम रूल्स 2020 के फुल मैच कार्ड्स की हाइलाइट्स प्रीव्यू, यानी कि एक्सट्रीम रूल्स 2020 में हमें कौन कौन से मैचेज और सेगमेंट देखने को मिलेंगे और कौन अपने ओपोनेंट पे भारी पड़ने वाला है और क्या भी फ्रेश बेटिंग और निकल के आई है। तो एक हाइलाइट्स प्रीव्यू देख लेंगे बिफोर एक्सट्रीम रूल्स 2020। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दे। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा ही गाइज आपको पता होगी, फाइनल एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ और फाइनल एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और सारे मैचेज और विनर और सेगमेंट हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन गाइज कुछ मैचेज हैं जो कि ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है और फर्स्ट मैच हमें लोअर कार्ड से देखने को मिलने वाला है, यानी कि फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप द न्यू डे वर्सेस शिंसुके नाकामुरा एंड सीजारो के बीच में मैच देखने को मिलेगा और ये मैच ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है। गाइज अगर आपने इस वीक का स्मैकडाउन को फॉलो किया होगा तो एक किकऑफ शो में मैच देखने को मिलता है न्यू डे के मेंबर मतलब बिगी वर्सेज और शिंसुके अंड सीजारो के मेंबर यानी कि सीजारो के साथ मैच देखने को मिलता है, यानी कि बिगी वर्सेस सीजारो का मैच देखने को मिलता है। और इस मैच में स्टिपुलेशन ये ऐड होता है कि जो भी इस मैच को जीतेगा अपने मैच के लिए स्टिपुलेशन ऐड कर सकता है। और होता क्या है, इस मैच को थोड़ा मोड़ा चीटिंग से इस मैच को सीजारो जीत जाते हैं और ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि ये मैच हमें देखने को मिलेगा। और बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिलता है जहाँ पे वो अपना स्टिपुलेशन चूज करते हैं स्टील केज मैच और ये मेरा मतलब है कि टेबल्स मैच में, वो बोलते हैं कि मैं टेबल्स मैच को चूज करता हूँ। तो ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप टेबल्स मैच हमें देखने को मिलेगा न्यू डे वर्सेस शिंसुके नाकामुरा एंड सीजारो के बीच में, जो भी अपने ओपोनेंट को उस पर पटकेगा यानी कि टेबल से पटकेगा और उस मैच को वो अपने नाम कर लेगा। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि इस मैच को न्यू डे भी जीत सकते हैं, नहीं तो गाइज ऐसा होगा कि जैसा कि हमें प्रोमो देखने को मिल रहा है शिंसुके नाकामुरा एंड सीजारो हमें न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस बनते नजर आ सकते हैं द हॉरर शो एट एक्सट्रीम रूल्स 2020। सेकेंड मैच हमें मिड कार्ड से देखने को मिलने वाला है फॉर द US चैंपियनशिप अपोलो क्रूज वर्सेज MVP के बीच में और रिंग साइड के बाहर शायद बॉबी लेस्ली भी हो सकते हैं। वेल गाइज अगर आपने पास्ट वीक का मंडे नाइट रॉ को फॉलो किया होगा, यानी कि जो एक्सट्रीम रूल्स से पहले का दो वीक का हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलता है, वहाँ पे MVP WWE यूनिवर्स को दिखाते हैं कि हमें न्यू US चैंपियनशिप देखने को मिलेगा और गाइज वहाँ पे हमें देखने को मिलता है और ये भी मैच ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि द हॉरर शो में हमें देखने को मिलेगा फॉर द US चैंपियनशिप अपोलो क्रूज वर्सेज MVP के बीच में। तो गाइज इस मैच के सबसे अभी फ्रेश बेटिंग और चीज़ रिवील हुई है कि इस मैच को और नहीं बल्कि अपोलो क्रूज ही जाएंगे। लेकिन गाइज ऐसा नहीं होगा कि मंडे नाइट रॉ में दो US चैंपियनशिप होगा, तो गाइज ऐसा हो सकता है कि इस मैच को MVP जीत सकते हैं। कभी बेटिंग और भी गलत हो सकती है, लेकिन गाइज हमें देखना होगा, ये तो हमें हॉरर शो में ही पता चलेगा कि इस मैच को कौन जीतने वाला है और कौन अपने ओपोनेंट पे भारी पड़ेगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट और थर्ड मैच हमें वुमेंस डिवीजन की तरफ से देखने को मिलेगा फॉर द स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप बेली वर्सेस निकी क्रॉस के बीच में। काफ़ी वीडियो में आपको काफ़ी बार मैंने बताया है कि निकी क्रॉस एक अपॉर्चुनिटी को ऑन करती हैं, यानी कि फैटल फोर वे मैच हमें देखने को मिलता है और इस मैच में वो अपॉर्चुनिटी को ऑन करती हैं और ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि फॉर द स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप निकी क्रॉस वर्सेज बेली का मैच हमें देखने को मिलेगा। और गाइज अभी फ्रेश बैटिंग और इस मैच की ये रिवील हुई है कि इस मैच को और नहीं बल्कि बेली जीत जाएंगी और वो रिटेन कर लेंगी अपना स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप को। लेकिन फिर भी गाइज हमें देखना होगा कि इस मैच का क्या मोमेंट्स आता है और कौन किस पे भारी पड़ता है। लेकिन गाइज मुझे भी लगता है कि इस मैच को और नहीं बल्कि बेली जीत जाएंगी। अगर हाँ फ्रेंड्स एलेक्सा भी थोड़ा मोड़ा अगर चीटिंग करती हैं तो हो सकता है कि निकी क्रॉस हमें न्यू स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन देखने को मिल सकती हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मैच हमें सबसे खतरनाक मैच देखने को मिलने वाला है हॉरर शो में आई फॉर एन आई मैच से थ्रोलिंग्स वर्सेज रेमिस्ट्रियो के बीच में। वेल गाइज अगर आपने फास्ट वीक का मंडे नाइट रॉ को ध्यान से फॉलो किया होगा तो रेमिस्ट्रियो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस तुम द हॉरर शो एट एक्सट्रीम रूल्स 2020 में अपना दो आई लेके आओगे एरिना में, लेकिन जब तुम घर जाओगे इस मैच को हारने के बाद तुम एक आई लेके जाने वाले हो। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि इस मैच को शायद सेथ रॉलिंस हार जाएं और रेमिस्ट्रियो अपने मैच इसको नाम कर लें। लेकिन गाइज अभी इस मैच की फ्रेश बेटिंग और ये रिवील हुई है क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर एक्टिव व्यूअर्स होंगे तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इस मैच को शायद सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं। लेकिन गाइज अभी बेटिंग और उसमें नंबर वन पे रेमिस्ट्रियो का नाम है, तो गाइज ऐसा हो सकता है कि रेमिस्ट्रियो एक आंख निकाल लेंगे सेथ रॉलिंस का और सेथ रॉलिंस इस मैच को हार जाएंगे। वैसे गाइज आप मुझे इस मैच का कमेंट्स थॉट्स में बता सकते हो कि इस मैच को कौन जीतेगा, क्योंकि आप लोग बहुत डिसएग्री हो रहे थे इस मोमेंट से यानी कि इस मैच के रिजल्ट से। और नेक्स्ट मैच हमें वुमेंस डिवीजन की तरफ से देखने को मिलेगा फॉर द रॉ वुमेंस चैंपियनशिप आस्का वर्सेज साशा बैंक के बीच में। वेल गाइज सबसे ज़्यादा नोट करने वाली इस मैच में बात यह है कि दोनों सुपरस्टार का जो फिनिशर है वो सबमिशन ही है। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि इस मैच को और नहीं बल्कि आस्का जीत जाएं और वो रिटेन कर लेंगे अपना रॉ वुमेंस चैंपियनशिप को। लेकिन फिर भी गाइज हमें देखना होगा कि इस मैच को कौन जीतता है और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इस मैच को और नहीं बल्कि आस्का जीत सकते हैं। लेकिन गाइज सबसे
बड़ा यहाँ पे बात यह है कि सहरसा बैंक बोल रही थी कि बैंक्स विद टू बेल्ट, तो हो सकता है इस मैच को शायद सहरसा बैंक भी जीत जाए, लेकिन कम चांसेस है फ्रेंड्स कि वो इस मैच को जीतेंगे। और बेटिंग ऑड्स में भी आस्का का नाम ही है कि वो इस मैच को जीतने वाली है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा वाइट स्वम्प मैच बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ईटर ऑफ वर्ल्ड ब्रे वाइट के बीच में। वेल गाइज, आज का जो फाइनल एपिसोड का स्मैकडाउन था वहाँ पे हमें प्रोमो देखने को मिलता है, यानी कि फायरफ्लाई फन हाउस का प्रोमो देखने को मिलता है, और वो दिखाते हैं कि एलिगेटर भी रहता है, यानी कि वहाँ पे घड़ियाल भी रहता है। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें, मतलब आपको मैंने काफ़ी वीडियो में मैंने बताया कि ब्रे वाइट बोलते हैं कि मैं तुम्हें घड़ियाल पे फेंकने वाला हूँ, एलिगेटर में फेंक के मैं इस मैच को जीत जाऊँगा। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि इस मैच को शायद इस बार ब्रे वाइट जीत जाए, जैसे गाइज मैंने आपको काफ़ी वीडियो में मैंने बताया है। और इस मैच की बेटिंग और भी यही रिवील हुई है कि इस मैच को ऑल करनी बल्कि ब्रॉन्स स्ट्रोमैन हार जाएंगे और ब्रे वाइट इस मैच को जीत जाएंगे। और ऐसा होगा फ्रेंड्स कि वन ऑल हो जाएगा, यानी कि एक बार ब्रे वाइट मैच को जीतेंगे और एक बार ब्रॉन्स स्ट्रोमैन मैच को जीतेंगे, क्योंकि मनी इन द बैंक में भी वो अपने मैच को नाम करते हैं। और उसके बाद होगा क्या फ्रेंड्स, समर स्लैम 2020 में फिंड वर्सेज ब्रॉन्स स्ट्रोमैन का मैच देखने को मिलेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और रोमन रेंस का पत्ता कट जाएगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लाइन से। और फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द WWE चैंपियनशिप, ड्रू मैकइंटायर वर्सेज डॉल्फ ज़िगलर के बीच में। वेल गाइस, इस मैच का अभी तक स्टिपुलेशन पता नहीं चला है, लेकिन रूमर्स ये आ रहा है कि इस मैच का स्टिपुलेशन और को नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है कि हमें देखने को मिल सकता है ये मैच TLC मैच देखने को मिल सकता है। गाइस जस्ट ये रूमर्स है, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि ये मैच हमें TLC मैच देखने को मिल सकता है। और वहीं पे इस मैच में बेटिंग और उसमें नाम चल रहा है ड्रू मैकइंटायर का, कि ड्रू मैकइंटायर अपना WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और वो जीत जाएंगे और वो हरा देंगे डॉल्फ ज़िगलर को। लेकिन गाइस द रॉक ने अभी ट्विटर पे ट्वीट किया है और वो बोल रहा है कि उनको ट्रस्ट है कि इस मैच को शायद डॉल्फ ज़िगलर जीत सकते हैं, लेकिन गाइस हमें देखना होगा कि इस मैच को कौन जीतता है। तो गाइस वही कुछ मैचेज हैं और सेगमेंट है, अगर कोई मैचेस को अगर मैंने मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट्स में थॉट्स बता सकते हो, इसके बाद मैं अभी जो हाइलाइट्स पे भी बनाऊंगा वहां पे उसको मैं ले लूंगा। होप करता हूं कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फाइनली बाय फ्रेंड्स।